अभी बॉडी फट के ऐसे बवाल मचा दोगे एकदम एकदम। टाइट रखो बैट को, टाइट रखो बैट को। ले फिर आ गए। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष यादव वापस आ गया हूँ। फिर आज हम लोग करेंगे बैक वर्कआउट। अगर आप पुलअप भी नहीं कर पाते हो, अगर आप जिम भी नहीं जा पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, हजारों तरीके हैं। हम लोग करेंगे तीन ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना जिम, ना पुलअप की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप एक जबरदस्त बवाल मचाने वाली बैक बना लोगे इस तरीके से। कहीं पे भी कर सकते हो, मैं अपने खेत में हूँ, आप चाहे जहाँ कर सकते हो बॉल मचा सकते हो। मेन चीज सही फॉर्म टेक्निक और सही माइंडसेट के साथ अगर ट्रेनिंग करोगे ना तो तुमको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ध्यान दो और ध्यान से करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देना, कोई गलती हो तो कमेंट कर देना, जो भी करना हो कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी ये होगी आपके रियर बैक के लिए, मतलब ये अपर जो बैक होती है इसे रियर डेल्स भी कहते हैं, लेकिन ये बैक का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, इसे हम लोग ट्रेन करेंगे। बहुत लाइट वेट की जरूरत है, हल्के वेट की जरूरत है, लेकिन सही फॉर्म टेक्निक। आप ऐसे हो और ज़मीन पर ऐसे नीचे झुक जाओ और आपका सीना एकदम सीधा होगा, टाइट होगा, और पूरी बैक एकदम टाइट करके रखो, एकदम स्क्वीज होनी चाहिए। पहले उसको एक्टिव करो, अब इस तरीके से पूरा पीछे स्क्वीज। मेरे प्यारे भाई, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी ये होगी आपके पूरे ओवरऑल बैक के लिए, और पूरा जो आपका बैक है, अपर बैक, लोअर बैक, इस पर काम करता है। ये हम लोग करेंगे रोइंग, लेकिन स्पीड रोइंग करेंगे। ये आप अधिकतर देखते होंगे मतलब कि क्रॉसफिट वाले बंदे करते हैं, उनका बैक बैक देखेंगे कटिंग में भरा रहता है। तो करना क्या है आपको, इस तरीके से पूरे चेस्ट ऊपर होगा, पेट टाइट, बैक एकदम स्पीस, एकदम टाइट रखो बैक को, टाइट रखो बैक को, इस तरीके से एकदम टाइट है। देखो हमारा हाथ और पूरी बैक एकदम सीधी है, ऐसे फिर ऐसे मशीन की तरह चलाओ। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं जमीन बैठ चुका हूँ, तीसरी एक्सरसाइज इस तरीके से की जाएगी। इसे शोल्डर के लिए किया जाता है, लेकिन बैक के लिए भी किया जाता है। अगर आप बैक के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप ज़्यादा वाइड नहीं रखेंगे ना क्लोज, अपने शोल्डर के समान ही चौड़ा रखेंगे। अपने हाथों को ऐसे नहीं, ऐसे रखो सीधे, और अपने पैरों को जितना आगे कर सकते हो करो, और इसे थोड़ा हिप को उठा लो, पूरा गर्दन ऐसी रखनी है, और शोल्डर में ऐसे करते हैं लोग, लेकिन बैक के लिए ऐसे नहीं। बैक के लिए हम लोग आगे जाएंगे और पूरा पीछे आए। दोस्तों यह था बैक वर्कआउट। जो लोग कहते हैं कि ईंट से बॉडी नहीं बनती, तो भैया आप ये वर्कआउट करके देखो, अगर मेरी फट गई आपकी भी फटेगी, और जब फटेगी तभी बॉडी फट के ऐसे बवाल मचा दोगे एकदम। तो तीन एक्सरसाइज करो, कहीं भी बैक बनाओ। अगर आप इसमें पुलअप भी ऐड कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं कर सकते पुलअप का प्रैक्टिस करो, और ये तो आप कर ही सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो। जय हिंद।